वालेकुम। हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, क्रैकिंग, ये नोकिंग, एंटी नोकिंग एजेंट क्या होता है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना ये है रिफॉर्मिंग। ये रिफॉर्मिंग काफ़ी दफ़ा पास पेपर में अगर देखा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन करनी होती है, एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले को आपने बताना होता है। रिफॉर्मिंग का मकसद क्या होता है, मेन चीज़ हमारे पास ये होती है, रिफॉर्मिंग करते क्यों। सबसे पहली बात याद रख लो कि रिफॉर्मिंग करते क्यों। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक चीज़ बताई थी कि पेट्रोल की ना दो तरह की किस्में होती हैं। एक होता है लोअर क्वालिटी का पेट्रोल या डीजल वगैरह, एक होता है हायर क्वालिटी का। अब देखो दो बातें हैं, एक है लोअर क्वालिटी, एक है हमारे पास हायर क्वालिटी। अब लोअर क्वालिटी को हायर क्वालिटी में चेंज करने का अमल, सिंपल बात, लोअर क्वालिटी फ्यूल को हायर क्वालिटी फ्यूल में चेंज करने का अमल हमारे पास रिफॉर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा वर्ड पे गौर करो, फॉर्मिंग होता है बनाना, फॉर्म से निकला है, किससे निकला है, फॉर्म। अब देखो पेट्रोल या डीजल वगैरह आपको पहले से बन चुका है, रीफॉर्मिंग, री का मतलब आपको पता है, रिवाइज, दोबारा याद करना, सही है। इसी तरह री साथ में लगा रहा हूं, रिफॉर्म दोबारा बनाना, क्या चीज दोबारा बनाना, लोअर क्वालिटी फ्यूल से हायर क्वालिटी फ्यूल को दोबारा पैदा करना, इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं रिफॉर्मिंग का। अब देखें हमने ना एक वर्ड पढ़ा था ऑक्टेन नंबर, सही है, लोअर क्वालिटी के लिए लो ऑक्टेन नंबर होता है, क्या होता है, लो ऑक्टेन नंबर, और हायर क्वालिटी के लिए हाई ऑक्टेन नंबर होगा, हाई ऑक्टेन नंबर, ओ एन ऑक्टेन नंबर। मैं ये लिखूंगा जो डेफिनेशन प्रॉपर ना वो यही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोअर ऑक्टेन नंबर इनटू हायर ऑक्टेन नंबर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। इस प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे रिफॉर्मिंग का, सिंपल से डेफिनेशन लिखो, द प्रोसेस ऐसा तरीकाकार इन विच फ्यूल ऑफ लोअर ऑक्टेन नंबर या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन, इस तरह कर लो स्ट्रेट, ये भी सही है, अभी बताता हूं स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर चेंज्ड इनटू ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में तब्दील किया जाता है इन द प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में ये काम हो रहा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी ये काम करवा रहे होते हैं एट हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में ये काम करवाते हैं, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग, इसको हम रिफॉर्मिंग का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूँ ना ये डीजल की, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, एक इक्वेशन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, वो इक्वेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू डीजल, पेट्रोल के हवाले से भी लिख सकते हो, डीजल के हवाले से भी लिख सकते हो। तो मैं डीजल की बात करूँ ना, इसमें ऑक्टेन, देखो वर्ड ऑक्टेन पर जाइएगा, ऑक्टेन, अब ऑक्टेन किसको कहते हैं, ऐसा अल्केन या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 8 कार्बन हो, ऐसा अल्केन, देखो एन ए का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑक्टेन 8 कार्बन होंगे। देखो इसको आप इस तरह लिख लो, देखना CH3CH2CH2 एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये दे, ये आठवां हो गया, सही है। अब अगर आप देखो मैं बार बार CH2 लिख रहा हूँ, CH2 आप इसको ना थोड़ा सा कंप्रेस करके ना थोड़ा सा कंडेंस करके इस तरह लिख सकते हो CH3, इसके बाद सिंगल बॉन्ड बनाओ आगे CH2, देखो कितने CH2 हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, मैं यहाँ पे छः लिखूँगा, आगे फिर क्या आ जाएगा CH3, ये वाला, समझ लीजिए किस तरह मैंने कंडेंस किया, मैंने है मेरे पास ऑक्टेन है, देखो ये है स्ट्रेट चेन, एक ही चेन में आपके सारे के सारे कार्बन लगे हुए हैं। अब स्ट्रेट चेन को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, ब्रांच चेन में। ब्रांच चेन क्या होगा हमारे पास, आप इसके कैटलिस्ट वगैरह मौजूदगी में इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिसके नतीजे हमारे पास ये वाली कुछ चीज़ बन जाती है, पहले नंबर पे CH3
CH3, और यहाँ पे भी एक CH3 एक H यहाँ पे। देखो अब इसमें टोटल कार्बन काउंट कर लो कितने, 8। इसमें टोटल कार्बन काउंट करो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। 8 कार्बन इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन क्या हुआ इसमें 8 कार्बन एक ही चेन में। यहाँ पे क्या सिस्टम हो गया, ब्रांच चेन हो गई। क्या हो गई है, ब्रांच चेन होगी। ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। अब यहाँ पर इसका नाम अगर देना पड़ जाए तो इसको नाम देखें, नाम हमेशा हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये लॉन्गेस्ट चेन है, और यहाँ पर देखो 2 पे कितनी दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम इसको कहेंगे 2,2-dimethyl, 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 पोजिशन पर। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, 2,2,4-trimethyl करेंगे, 2,2,4-trimethylpentane। लो जी ये बच्चे, ये जो प्रोसेस किया है इसको रिफॉर्मिंग कहते हैं। अब इसका मकसद क्या आता है, इसका मकसद होता है आपका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्टेन नंबर पर्पस का। हम रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं, पर्पस का मतलब होता है मकसद, क्या हम रिफॉर्मिंग कर क्यों रहे हैं, टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, इससे आपका ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव हो जाता है। अब ऑक्टेन नंबर मालूम किस तरह करते हैं, याद रखिएगा जो ऑक्टेन नंबर है इसका फार्मूला ये है, ऑक्टेन नंबर का फार्मूला ये बेशक याद ना रखिएगा, सही है, लेकिन इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कहीं पे कोई काम आ जाए। तो इसका ऑक्टेन नंबर का फार्मूला ये होता है कि ब्रांच चेन की कितनी परसेंटेज है, ब्रांच्ड चेन उसको ऊपर रखो और स्ट्रेट चेन को नीचे रखो, स्ट्रेट चेन को, मतलब मैंने पास सपोज किया एक फ्यूल है जिसके अंदर तकरीबन 70 मॉलिक्यूल आपके इस तरह के हैं और 30 मॉलिक्यूल आपके इस तरह के हैं, तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, देखो 70 और 30, तो आप 70 को कहाँ पे रखोगे, ऊपर, 30 को नीचे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, आई थिंक ये आ जाएगा 3, 2 बार 6, 2 पॉइंट कुछ ऑक्टेन नंबर आएगा, कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ, बच्चे ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, क्योंकि इसका 1 से ज़्यादा नंबर नहीं आता, ये याद रखिएगा, इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखोगे तो हमारे पास ये आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि ये हमारे पास 0.3 यहाँ पे आ जाएगा 70, दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आएगा, सही है। अब अगर कोई पेट्रोल है, मैं कहता हूँ सपोज कि मेरे पास कोई भी पेट्रोल है, अगर तो उसके अंदर सारे के सारे ये वाली चीज़ मौजूद है, हम कहते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 1 है, ये 100 है, सही है। अगर ये वाली चीज़ सारी की सारी मौजूद है तो उसका ऑक्टेन नंबर 0 है, सही है, इसको 1 भी कह सकते हैं, परसेंटेज में देखो 100% है ऑक्टेन नंबर। अगर ये वाली सारी चीज़ें तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, कम होगा, और जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा उतना पेट्रोल क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, बस ये बात याद रखनी है। मेन जो चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सिर्फ रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन है, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन है, बाकी देख लीजिए अगर जो चीज़ आपको यहाँ से करनी हो, यही हमारे पास आज की लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।